सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा देरी से आ रहा है यार, बिकॉज मैं अब इंडिया ट्रेवल करने वाला हूँ। कल रात को चल रही है प्लानिंग उसी को लेके भैया, साथ में फैन फेस्ट भी है दिल्ली का, फिर मुंबई का। कोशिश लगी पड़ी है कि भैया कुछ कर दूं कमाल। मुझे आप बताओ नीचे कमेंट्स में अगर आप गेस कर सकते हो कि परफॉर्मेंस क्या होने वाली है। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। दोस्तों यहाँ पे पहले अपडेट है वो निकल के आता है यार 3D प्रिंटेड होम्स के बारे में, जहाँ पे हम घर प्रिंट कर सकते हैं पूरा का पूरा 3D टेक्निक से। और यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होगी। दोस्तों यहाँ पे आती है कंपनी सामने जो कि बताती है कि फिलहाल लगेंगे करीब $10,000 एक करीब 650 स्क्वायर फीट का घर प्रिंट करने में, लेकिन बाद में कॉस्ट कम हो सकती है सिर्फ $4,000। तो यहां पर दोस्तों दुनिया में जो लोगों के पास में घर नहीं है या मान लीजिए गवर्नमेंट्स जो हैं वो अगर घर बनाना चाहती हैं बहुत से लोगों के लिए, तो यहां पे वो इन चीजों को यूज कर सकती हैं। बिकॉज यहां पे $4,000 दोस्तों मतलब बहुत ही कम कॉस्ट है, और जो घर है वो सिर्फ एक दिन में बन के पूरा तैयार हो जाता है। तो मतलब यार बहुत ही तेजी दोस्तों बनता है घर। और यहां पे ये है 3D प्रिंटिंग टेक्निक से बना हुआ 650 स्क्वायर फीट का एक कंप्लीट घर। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है इंटेल की तरफ से, और इंटेल ये बोलता है कि हम ब्रॉडकॉम को एक्वायर कर सकते हैं अगर वो क्वालकॉम को एक्वायर कर लेते हैं। तो मतलब यार ये दोस्तों कमाल का स्टेटमेंट है कि पहले ब्रॉडकॉम अगर एक्वायर कर लेता है क्वालकॉम को तो हम एक्वायर कर लेंगे ब्रॉडकॉम को। यहाँ पे दोस्तों क्वालकॉम जो है वो मान नहीं रहा है, पहले जो बिड थी ब्रॉडकॉम की उसको हटा देता सिरे से खाली। अभी देखते हैं कि क्या ये डील हो पाती है या नहीं, और अगर ऐसा हो गया तो इंटेल आप खुद सोचोगे कितना बड़ा नाम बन जाएगा। मतलब पीसी इंडस्ट्री दोस्तों वैसे नंबर वन पे आता ही है। इसके अलावा स्मार्टफोन्स के अंदर जो क्वालकॉम है उसको अगर एक्वायर कर लेता है ब्रॉडकॉम के थ्रू, तो इंटेल का मतलब फिर चिप मार्केट्स के अंदर तो भैया कुछ कंप्यूटर रहेगा ही नहीं। तो अगला अपडेट है वो निकल के आता है स्पेस एक्स की तरफ से, और आती है रिपोर्ट्स कि जो भैया बड़े वाला रॉकेट है BFR जो हमको लेके जाएगा मार्स जैसे बोलते हैं इलॉन मस्क, उसकी अभी टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है 2019 की स्टार्टिंग से ही। मतलब मानो चाहे ना मानो भैया हम में से कोई तो जाने वाला है ऊपर मार्स तक। तो यहाँ पे जो रॉकेट है इसकी टेस्टिंग अभी चालू होगी, फिर होंगी फर्स्ट फ्लाइट्स वगैरह, और ये मतलब आने वाले 10-12-15 साल मार्स पे तो पहुंचे जाएंगे शायद, लगता था ऐसा ही है। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे भैया आर्टिफिशियल वेन्स को लेके। मतलब ये एक ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इम्प्लांट है जिसके बाद में जो पेशेंट दोस्तों यहाँ पे इनको जरूरत पड़ती है डायलिसिस की, वो अपनी बॉडी में आर्टिफिशियल वेन्स को ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पे मतलब आप खुद सोचो कि यार जो मेडिकल साइंस है वहां पे हम टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ पे इंप्रूव कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हम आर्टिफिशियल वेन्स को क्रिएट कर रहे हैं हमारे काम के लिए, जिसके बाद में जो पेशेंट दोस्तों जिनको होता है किडनी का कुछ और उसके बाद उन्हें जरूरत पड़े डायलिसिस की, उनके लिए काफी आसानी हो जाएगी। तो सर अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहां पे सोनी के प्रोजेक्टर वाले हेलमेट को लेके। बताया दोस्तों सुनने शोकेस किया है कैसा हेलमेट जिसके ऊपर लगा है प्रोजेक्टर। हालांकि तो कुछ सेंस समझ में आता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं कि भैया फॉर एग्जांपल अगर आप एक तितली होते तो आपको सामने कैसा लगता जो आप सामने स्क्रीन पे देख लो, या फिर अगर आप मान लो 8-10-15 लोग एक साथ हो तो साथ में आप कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो मक्खियों की तरह मच्छरों की तरह पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये दोस्तों काफी वियर्ड से डिवाइस जो कि आता है सोनी की तरफ से प्रोजेक्टर हेलमेट में। मतलब कितना कमाल है कि सामने एक खाली दीवार है, आप जाके खड़े हो गए हो, आपके पास माथे में है प्रोजेक्टर, आप सामने खड़े खड़े दीवार पे पूरी की पूरी मूवी को एंजॉय कर रहे हो। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे FBI की तरफ से, और यहाँ पे किया है FBI ने अरेस्ट एक कंपनी के CEO को जो दोस्तों बनाते थे फोन्स कस्टमाइज स्पेशल मेड ब्लैकबेरी फोन्स उन लोगों के लिए जो भैया कर रहे हैं कुछ माफिया वाला काम। मतलब जिनको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है वो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर पे चलते हैं ये फोन्स। और यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट्स कहते हैं कि दुनिया भर में करीब 2000 से ज्यादा कस्टमर्स थे इन फोन्स के, जो कि भैया अलग अलग रीजन में थे, फिर चाहे वो ड्रग्स में डील कर रहे हैं चाहे आर्म्स डीलिंग कर रहे हैं, यहां पे वो इस कस्टमाइज्ड ब्लैकबेरी फोन को यूज करते थे, इनफैक्ट करते हैं, अभी सिर्फ CEO को अरेस्ट किया है। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहां पे भैया एंड्रॉइड वेयर को लेके। गूगल का जो OS है घड़ी के लिए वो अभी उसका नाम शायद चेंज होके वो हो सकता है वेयर OS, जैसे कि एप्पल का है वॉच OS। हालांकि मजाक की बात अलग है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे शायद गूगल IO में आने वाला है कुछ अनाउंसमेंट। लेकिन क्या आप एक स्मार्ट वॉच यूज करते हो मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है यहाँ पे वो है माइक्रो मैक्स की तरफ से, और कंपनी ने भैया कदम रख दिया है और बेहतर तरीके से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, जहां पे अभी दोस्तों ये आ गई है वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर्स को साथ लेके। AC तो भैया पहले से आते ही है, TV पहले से आता ही है, फोन्स तो बनाते ही है साथ साथ में, शुरुआत तो फोन से की थी। तो यहाँ पे माइक्रो मैक्स अभी भैया आ गया है,
फ्रिज और वॉशिंग मशीन के मार्केट में आपको क्या लगता है कि क्या सक्सेसफुल होगा या नहीं, बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। अगर इंडियन कंपनी ना एकदम सही तरीके से काम कर ले तो मतलब मजा आ जाए, अगर माइक्रोमैक्स अपनी कुछ चीजें ठीक कर ले तो काफी प्राउड वाली बात आ सकती है इंडियन के लिए। लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं यार, वो चाइना से माल लेते हैं, स्टिकर लगाते हैं, बेचते हैं। हालांकि फ्रिज और ये सब तो इंडिया में बनेंगे, इतना चाइना से लेके आ पाएंगे। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे भैया 4G वोल्टी को लेकर, और यहाँ पे एयरटेल शुरू करने वाला है अपनी वोल्टी सर्विस कोलकाता में, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा भैया यहाँ पे वोडाफोन भी लगा हुआ है वोल्टी को पूरे देश भर में फैलाने को, जियो तो फैल ही चुका है, BSNL भी कोशिश कर रहा है कि वो 4G को एक बार चालू कर ले। तो आप बस अपने फोन में अभी शायद आपको ड्यूअल सिम वोल्टी की जरूरत पड़ जाएगी अगर आपको यूज करना है एयरटेल और जियो दोनों का ही वोल्टी ही एक साथ। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है ओला की तरफ से भैया, ओला ऑस्ट्रेलिया में चालू हो गया था पहले पर्थ में फ्री राइड्स के साथ में, और वो भी एक्सपैंड करने वाला है यहां पे सिडनी में भी, जहां पे वो देने वाला है शुरुआत के दिनों में कुछ फ्री राइड्स। यहां पे दोस्तों ऊबर जो है वो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, लेकिन यहां पे ओला चाहता है कि वो इंडिया से बाहर निकले, एक्सप्लोर करे ऑस्ट्रेलिया का मार्केट। इंडिया में तो चलता ही है बढ़िया, वैसे आपका OTP क्या है मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है नोकिया 9 को लेके, रिपोर्ट्स कहती हैं कि नोकिया 9 के अंदर होने वाला है यहां पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, आईफोन वाला नॉच। नोकिया 9 किधर है भैया पहले वो तो बता दो, कब आएगा। लगा रखा है ऐसे पीछे 10 कैमरा 15 कैमरा 50 कैमरा ये डिस्प्ले ये फोन, अरे भैया ला दो कुछ एक फोन। क्या आपको लगता है दोस्तों कि यहाँ पे नोकिया को सख्त जरूरत है एक बहुत ही कमाल फ्लैगशिप फोन की जो कि टक्कर देख पाए फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट OnePlus 5T को या OnePlus के किसी फ्लैगशिप फोन को या सैमसंग किसी फ्लैगशिप फोन को? अगर हाँ तो बताओ नीचे कमेंट्स में कि यार नोकिया कम से कम कुछ तो कमाल कर दे मेरे भाई यहाँ पे। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है हमें Xiaomi के एक अननोन डिवाइस को लेकर जो कि लीक हुआ है गीक बेंच में। यहां पर मालूम चलता है कि इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 632 प्रोसेसर जिसको अभी तक क्वालकॉम ने भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, और इसका नाम है Xiaomi बर्लिन। अभी ये डिवाइस कब आएगा भैया हम देखते हैं, फिलहाल के लिए तो वेट कर रहे हैं 14 मार्च को आने वाले Xiaomi Redmi 5 का। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Vivo के V9 को लेके, हो गई है फोटो लीक फोन के आगे से फोन के पीछे से। देख लो भैया लॉन्च होने वाला है 27 मार्च को, 24 मेगापिक्सल की होगी इसके अंदर सेल्फी, और क्या कमाल होता है वो पता लगा ही लेंगे। लेकिन ये है Vivo का V9, इनको शायद ना ऑड नंबर्स पसंद है, V5 V7 V9 एक एक के बीच खा जाते हैं। तो फाइनल अपडेट निकल के आता है वो है ट्विटर की तरफ से, और यहां पे भैया ट्विटर ने सस्पेंड कर दी है बहुत सारे अकाउंट्स, क्योंकि वो क्या करते थे कि भैया सिर्फ ट्वीट्स को रीट्वीट करते थे। बिजनेस में जो कैंपेन्स होते हैं जहां पे वो बल्क में ट्वीट करते हैं, बल्क में रीट्वीट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी कुछ नया आइटम लेके आती है, एक बंदा ट्वीट करता है सेम ट्वीट सभी लोग करते हैं, बल्क में एक दूसरे को शेयर करते हैं वगैरह वगैरह। तो यहां पे ट्विटर को भैया कचरा साफ करना था, तो उसने ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है, तो ये एक अच्छी बात भी है। हालांकि ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स ऑलरेडी हैं मार्केट में बहुत ही पहले से, और ये अभी भी चल रहे हैं आज के डेट में एकदम एक्टिव तरीके से, लेकिन एक्टिव मैं भी हूं ट्विटर पे। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो भैया कर लो, आईडी है @technicalguruji, वहां पे कभी-कभी कुछ इंटरेस्टिंग ट्वीट कर देता हूं। तो दोस्तों बस ये सारे आज के अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मुझे सुझाव हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।